पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमरान खान की रैली है और इमरान खान पहुंच चुके हैं परेड ग्राउंड रैली स्थल में। कुछ ही देर में रैली को वो संबोधित करेंगे। इमरान की रैली में बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं। रैली में इमरान खान का इस्तीफा भी संभव है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले रैली में इस्तीफा दे सकते हैं इमरान खान। वहीं बाजवा ने इमरान को भेजा है इस्तीफा देने का संदेश, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तो बहुत जल्द रैली को संबोधित करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बाजवा ने इमरान को इस्तीफा देने का संदेश भेजा है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले रैली में वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जो बाकी हो गए हैं विधायक वो अपना अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। तो उससे पहले ही रैली में इमरान खान अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इमरान की रैली में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। रैली में इमरान खान का इस्तीफा भी संभव है। बहुत जल्द वो संबोधन देंगे और हो सकता है अपने संबोधन के दौरान ही वो इस्तीफा भी दे दें, क्योंकि बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए उनके समर्थक पहुंचे हैं। हालांकि ये लगातार आरोप था कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, जनता खुश नहीं है, लेकिन आज शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, देखने को मिला और बहुत ही संख्या में उनको सुनने के लिए उनके समर्थक पहुंचे, काफ़ी संख्या में जनता पहुंची है। और फिलहाल परेड ग्राउंड में उस रैली स्थल में इमरान खान पहुंच चुके हैं और रैली में इमरान खान का इस्तीफा भी संभव है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन ये भी बेहद खास होगा देखना कि अपने संबोधन के दौरान वो क्या बातें कहते हैं। हो सकता है कि बात करते वक्त अपने संबोधन के दौरान वो भावुक भी हो जाएं, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी, बाजवा ने इमरान को इस्तीफा देने का संदेश भेजा है और अविश्वास प्रस्ताव से पहले रैली में इस्तीफा दे सकते हैं इमरान खान और कुछ ही देर में संबोधन देंगे इमरान खान। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन पूरा ये संभव है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं और ये इस्तीफा वो इस परेड ग्राउंड में ही अपने संबोधन के दौरान देंगे। ये तस्वीरें, ये नजारा, ये गूंज, नारों की जो आप सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान देश से है और पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री इमरान खान इस परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। उनके समर्थक यहां इतनी संख्या में पहुंचे हैं उनका समर्थन देने के लिए, क्योंकि ये जानकारी उनके समर्थकों तक भी पहुंच गई है कि वो बहुत जल्द अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं रहेंगे। तो बहुत जल्द अपना संबोधन यहाँ दे सकते हैं, पहुँच चुके हैं परेड ग्राउंड में। बहुत खास होगा, बहुत दिलचस्प होगा ये देखना, ये सुनना कि अपने संबोधन में वो क्या कहते हैं। और इतिहास गवाह है कि कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है और ऐसे में इमरान खान भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, उस इतिहास में शामिल हो जाएंगे जिसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अगर वो आज अपना इस्तीफा दे देते हैं और उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, सूत्रों के हवालों से तो यही खबर मिल रही है, अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। जो विधायक बागी हो गए हैं उनके खिलाफ हो गए हैं, एक मत उन्होंने यहां पर फैसला कर लिया है। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पास करने से पहले इमरान खान अपना इस्तीफा दे देंगे और अपना संबोधन देंगे और अपने संबोधन के दौरान इसी मंच पर, इसी परेड ग्राउंड में, इस रैली स्थल में ही वो इस्तीफा देंगे। तरफ हमारे जो लोग हैं, आप भी मोबाइल फोन निकालिए, वो जो परेड वाली जगह पे आप सब मोबाइल फोन निकालिए, अपने लाइट्स ऑन करें। स्टेज के पीछे भी काफी लोग हैं, ये 15 लाख भी नहीं, चक्री अस्पताल यहाँ तक लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम है, ये 20 लाख को क्रॉस कर गया। मैं दावत खिताब दूंगा। ये गुजारिश की गई कि अगर आप समर्थन दे रहे हैं तो अपना मोबाइल निकालिए, टॉर्च जलाइए और रोशनी दिखाइए और इस समर्थन में, और वो देखने को भी मिला।